नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। यहाँ आप अकेले बैठे हुए हैं? हाँ, ऐसा थोड़ा हवा हुआ, खाने का मन हुआ तो नेचर के करीब चले। अच्छा, नेचर के करीब। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने इस दुनिया के लोगों से क्या सीखा? मैंने इस दुनिया के लोगों से क्या सीखा जी? जो सबसे बड़ी सीख आज तक मैंने सीखी ना, वो ये है कि आप इस दुनिया में गरीब पैदा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। आप इस दुनिया से गरीब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। लेकिन आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, उसको आप गरीबी में काट रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है, हम गरीब ही रह जाएंगे, लगता है भगवान कोई चमत्कार नहीं करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इट्स ओके नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका नसीब खुद बदलना पड़ेगा अगर आपको इज्जत चाहिए इस दुनिया में, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए इस दुनिया में, अगर इस दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए। आपको पता है, अगर दो लोग खड़े, एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं हो, एक आदमी जो बहुत अमीर हो, हाँ, उस जिसके पास पैसा नहीं हो उसको बोलने का बहुत अच्छा ढंग हो, बहुत अच्छा तरीका हो, लेकिन उसको सुनने के लिए एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा। वही दूसरे का जो अमीर है, उसको सुनने के लिए भीड़ लग जाएगी लोगों की, चाहे उसे बोलना आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे वो ज्ञान देना चाहता हो चाहे नहीं देना चाहता हो, लोग आके उससे पूछेंगे तो सर ऐसे कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। यही व्यक्ति के पास ज्ञान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन इसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, इसलिए लोग पूछते नहीं। अगर ये किसी को बता रहा है तो सब कहेंगे अरे बेवकूफ है, आता ना जाता, अरे होता तो खुद ना कमा लियो, खुद ना पैसा बना लियो, है ना। इज्जत चाहिए तो पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो आपकी बेवकूफी भरी बातें भी ये दुनिया बड़े शौक से सुनेगी और उसको अपने कोटेशन में लगाएगी, उसको अपने स्टेटसों पे लगाएगी, अरे इन्होंने कहा था। धन्यवाद, बस यही सीखा है मैंने इस दुनिया से।